बैठ के बन रही होती है, बट हमारे ये फादी भाई हमारे मॉडल है, मॉडल बनना चाह रहे थे लेकिन मॉडल नहीं बन सके, तो फिर मैं वीडियो वाली सरकार का इमरान हाशमी। अबे ये इमरान हाशमी टिकी बैक है हमारे ऑफिस के। यार फादी इज द ग्राफिक डिजाइनर एट वीडियो वाली सरकार, और फादी भाई का पीसी खराब हो गया था। अच्छा, ही इज द लीड ग्राफिक डिजाइनर एट वीडियो वाली सरकार। और फादी भाई वैसे तो कैनवा हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, फोटोशॉप पे करते हैं सब कुछ, लेकिन यार इसका पीसी खराब हो गया था। अब हम जा रहे हैं रमान भाई की शॉप में, अल मारूफ डड्डू चार्जर, और जाके देखते हैं कि पीसी को एग्जैक्ट मसला क्या बना है, क्योंकि चार बार हमें कॉल रही है और चारों बार नई फिल्म थी। और हम एक दफ़ा कितनी दो दफ़ा हम लोग गए हुए हैं, दो दफ़ा गए भी हैं उनके पास, दो तीन घंटे लगाए भी हैं, लेकिन कुछ आप लोग गए हो, मैं नहीं गया, बिलाल भाई नहीं है, बिलाल भाई आज जा रहे हैं, तो मैं अब जा रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि नुमान खुद भी आ गए अपनी लॉर वाली शॉप पे। नुमान या डड्डू? ये बिलाल भाई हमारे फैसलाबाद के शेख नहीं है, ये हमारे दुबई के शेख हैं, समझे बात को, ये दुबई के शेख हैं और ये पैसा लगाने वालों में से, ना के उड़ाने वालों। तू क्या कर रहा है? नोटी उड़ा के भाई, इनको जानते हो, ये पैसे देते हैं लोग डॉलर्स का पीती लेंगे। आज हम क्या हुआ यार, आज हम आए डट्टू भाई के पास। डट्टू भाई दुकान में नजर नहीं आ रहे वैसे। आज हम पीसी लेने आए हैं जिसका आपने सब यार नुमान ने फिल्म चला दी, उसने कहा मैं दुकान में बैठा हूँ, दुकान से लिया। यार हमजा भाई, अच्छा चाय तो मंगवाए। एक पीसी आया ना, इन्होंने खोल के चेक किया पहले, तो केस से जुड़ी चीजें बाहर निकाली, डिस्प्ले आ गया आपकी चीजों का सबका, कार्ड डिस्प्ले ना थे, ठीक है, कार्ड इन्होंने दूसरे पीसी में लगाया तो उधर भी डिस्प्ले ना थे। अब वो बताया, उसमें कहा था मसला बताया लोगों ने पहले क्या था, वही रिस्टार्ट, वो ऑन करते थे पावर लेता था, ये फैन शैन ऑन होते थे बंद हो जाता था, रीस्टार्ट इशू था। अच्छा, उसके बाद ग्राफिक कार्ड रिमूव किया हमने, और जो बोर्ड के जो अपने ग्राफिक्स होते हैं उस पे लगाया, पीसी ऑन हो गया। कैसे ऑन हुआ किसी को नहीं पता, अब लगा कार्ड खराब है, हमें लगा कार्ड खराब हो गया, हमें भी यही लगा, कार्ड दूसरे लगाया, कार्ड इसलिए पीछे डिस्प्ले थे। उसके बाद फिर दोबारा पता नहीं वही मसला शुरू कर दिया इसने, फिर समझ में आए, पहले जब आए थे ना हम लोग पहली दफा आए थे तो सेटा केबल का इशू आया, वो सेट हो गया, उसके बाद सेट में मसला सेटा केबल का था ही नहीं, आपका प्रॉब्लम बोर्ड या प्रोसेसर में, बोर्ड का प्रोसेसर का, लेकिन वो रेगुलर मसला हो गया था। उसके बाद अंदर की बात बताता हूं, बिलाल भाई एक दिन मेरे पीसी पे बैठ गए, मैं ऑफिस में नहीं था, इनको मौका मिल गया मेरे पीसी पे बैठने का, काम करते हो, तो उसके बाद ये पीसी ना बंद हो गया, कार्रवाई यहां से स्टार्ट हुई। मेरी बात सुन, लॉजिकली बता, पैसे मेरे लग रहे थे, तू मुझे कह रहा है कि भाई यहां पे नाम किसका है, आप खुद देख ले, बिलाल बिलाल मनी तो धोती खोल रहा है। ये प्रोसेसर आपका लगा हुआ है अभी भी, कभी ये प्रोसेसर किस पर डिस्क देता है, कभी नहीं देता, कभी बोर्ड बिगड़ जाता है, इन दोनों चीजों में से कोई ना कोई, मुझे बोर्ड का ही प्रॉब्लम लग रहा है, प्रोसेसर भी बोर्ड ही लग रहा है, क्योंकि बड़ा पुराना बोर्ड है, वो भी पुराना ही है, वो कौन सा अभी मैंने ताजा ताजा फैक्ट्री में बनाया है। अबे मैं, मुझे लगता है बिलाल मुनीर की शुरुआत वाला है ये, नहीं नहीं ये वो सेकंड ईयर i5 था, उसके बाद इसको अपग्रेड किया था, तो ये 7 दिन में, तो प्रॉब्लम इसी किसी चीज में था, क्योंकि इसकी जो हालत है ना वो एंड हुई है, सारे इसके ऑयल शेल निकला हुआ है, चीजों का तेल शेल बाहर आ रहा है, इसकी फोटो में देख खत्म हो गई, ये हालत हुई है जो बोर्ड हम यूज कर रहे थे। अच्छा अच्छी बात, जो लगाया वो भी कोई इतना साफ नहीं, बस वो चल रहा है, होता वो भी इसके साथ, ये कौन सी जनरेशन का लगाया, i7 4th लगा दिए, तो ये थोड़ा सा पावरफुल है, ठीक है, प्रोसेसर से ऑलमोस्ट 30% बेटर है, ठीक है, बोर्ड छोटा है, बड़े साइज का बोर्ड नहीं है, वो ही आपकी लगी रैम चल रही है, ठीक है, कार्ड भी उनका ठीक है, सप्लाई वो मैं ये सोच रहा था कि इसमें तो चलो दो स्लॉट्स है, रैम हमारे पास को सिंगल पड़ी होगी 16 वाली, नहीं आती नहीं है DDR3 में, मिलती नहीं है ना, लेकिन मैं बोर्ड आपको बाद में चेंज करा दूंगा, अभी नहीं, चार चार की दो लगी हुई है, चार की एक लगी हुई थी, नहीं 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 फैसलाबाद के शेख नहीं है, ये दुबई के शेख है, ये पैसे लगाने वालों में से
उड़ाने वालों में से उन्होंने पहले 16 GB दे दी। यहाँ तो बर्तन भी मिला दिए हमारी यार, कमिटमेंट थी 32 की, बहुत ही कमिटमेंट। आपने बोला था 32 करवाएंगे, आपने बोला था कि जो क्लिक इंप्रेशन रेट है वो 50 पे जाएगा, वो 10 से ऊपर नहीं जा रहा YouTube पे। यार नहीं बिलाल भाई, नहीं सेकंड सेशन का तू साथ क्या प्राइसिंग इसकी बनेगी अगर कोई बंदा नॉर्मली बनवाए तो? ये नॉर्मली बनाए तो आईफोन 4 जनरेशन सिस्टम वैसे अगर सिर्फ पैकेज वाले करो तो 18 से 20 हज़ार। नहीं ओवरऑल मैं बता रहा हूँ ना, वो हो गया और रैम होगी 25 और ऑलमोस्ट 22-25 का कार्ड, 48 और SSD हार्ड ड्राइव सारा कुछ ऐड कर दो, 48 58 58 और 65 70 ऑलमोस्ट विद SSD मुझे एक और बात समझ नहीं आ रही, मेरे को दूसरा एक पीसी है, मैंने भी उसकी स्पेक्स चिश्ती को मैसेज करके वापस मंगवाई है, 5600X उसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है, तीन प्रोसेसर में डाल हो गया। अच्छा, उसके अंदर रैम लगी हुई है 16, 3070 Ti लगा हुआ है, ठीक है, उसकी SSD भी वो NVMe लगी हुई है, परफॉर्मेंस में इससे तंग कर रहा था हमें, Adobe सॉफ्टवेयर में क्या सीन है? वो कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा होगा, वैसे विंडो कौन सी है? विंडो कौन सी? 11 सॉफ्टवेयर सेम है दोनों में, 11 नहीं, पहली बात तो विंडो टैम करो, सीधा पहला मसला तो ये है, विंडो 11 इशू करती है बहुत ज्यादा। और दूसरी बात यह है कि समटाइम आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मैच नहीं कर रहे होते, देखो गोरे जब चीज बनाते हैं बड़ी रिसर्च करते हैं, हम तो कहते हैं कौन सा बोर्ड पड़ा लगा दे यार, कौन सी रैम पड़ी लगा दे यार, और ये पड़ा पूरा कर दे उससे मांग के ले यार। तो ऐसी जब बिल्डें बनती है ना तो कभी कभी यही होता है कि अब ये बिल्ड बड़ी पुरानी चल रही है, ठीक है, तो ये स्टेबल आपकी चल रही है, जो नई बिल्डें बनती है ना उसमें बड़ी चीजें देखनी पड़ती है, मुझे नहीं पता उसमें बोर्ड कौन सा आपका लगा हुआ है, कौन सा मॉडल है उसकी, क्या उसकी VRAMs कितनी है, उसको सपोर्ट करके, और समटाइम्स आपका कार्ड यार फसल से बड़ा हो जाता है। पहले एक चीज और भी, बॉटलनेक पहले एक और चीज भी होती थी, पहले क्योंकि सिर्फ इंटेल खेलता था, AMD नहीं होता था, तो मार्केट में नॉर्म बना हुआ था कि ये प्रोसेसर लगना है, ये बोर्ड लगना है, और ये NVIDIA का ग्राफिक कार्ड लगना है। फिर AMD आया, वहां से कॉम्प्लिकेशन आई ग्राफिक कार्ड वाली, वही ना, उसके बाद AMD ने प्रोसेसर में भी गेम डाल दी, तो वहां पे फिर गेम उठ गया, वो इसी तरह है। लेकिन आपका 3070 Ti वैसे भी बड़ा लगा हुआ है, कार्ड थोड़ा छोटा लगाओ शायद उसकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी फोटोशॉप के अंदर, क्योंकि जब बॉटल नेक आता है ना कार्ड हैवी हो जाता है, वो लड़ते हैं आपस में, मैं काम कर जो पहले था, ऐसे कह लो जो पहले इसमें जो भी था सिस्टम जो पहले आपने रखा हुआ था, ये बिलाल भाई का, हाँ उसमें मैं आफ्टर पे प्रीमियर फोटोशॉप इलस्ट्रेटर एक टाइम ज्यादती करते रहो उसके सब मतलब आप पीने के लिए, तो बिलाल भाई कॉफी पीते हैं, मैं चाय पीता हूँ, बासित भाई भी चाय पीते हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ आप इनको डड्डू कहते हैं? ये कहता नहीं था, मेरे चैनल का नाम था डिस्को मौलवी, डिस्को मौलवी। अब लोग मुझे ना बासित आपके ऊपर आ रही है कहानी, ये मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा, बासित भाई जो है ना, इनको हम प्यार से मौलवी बुलाते हैं, और बासित भाई की ये सिचुएशन है कि हमारे प्यारे बासित भाई जो है ना, ये फुल इस्लामी है, मतलब वो वाला सीन है कि जुम्मे की नमाज है ना तो एक घंटा पहले चले जाना है, और आराम से, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं हम। लेकिन फिर हमें एक दिन इनकी इंस्टाग्राम आईडी मिली, इट वाज बासित फोटोग्राफी, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट वॉज BAX XIT, और फिर फोटोग्राफी में भी किसी वजह से एक्स था, तो बात फोटोग्राफी में नहीं था, फोटोग्राफी में नहीं था, एक बार छोटा है बड़ा, उसके बाद हमने भाई को कह दिया कि आप आज से बासित नहीं है, आप बाक्सित है। मैंने नाम रखा डिस्को मौलवी, करता था मैं रोस्टिंग हमारे डक्की भाई से, हम बहुत इंस्पायर थे उन दिनों, और डक्की भाई फिर भी लिहाज करते हैं, बहुत ही गंदी रोस्टिंग करते थे, डक्की लिहाज करता है थोड़ा बहुत कर जाता है यार वो, बहुत गंदी, आप अभी की बात कर रहा हूं भाई, पहले की नहीं की मैंने, पहले करा उसी से तो इंस्पायर थे हम, सारा गंद घोल देते थे यार जो भी था। मैंने ना जो भी बंदा है ना, आप मुसलमान भी नहीं, मुझे बोले वो मौलवी के साथ डिस्को लगा दिया, बड़ा गलत कर दिया तुमने, कमेंट आते थे, मैंने कहा यार नहीं कोई मारेगा, नाम चेंज करते हैं, बैठे हुए थे डिस्कॉर्ड पे 9 बंदे, इसको मैंने बोला यार कोई नाम बताओ, कहता अभी जल्दी में डड्डू चार्जर रख ले, बाद में सोचेंगे नाम, सारे हंस पड़े, मेरा फनी नाम है, मैंने उसी टाइम नाम रखा, लोगों भी बस ऐसे उसे बना के डाल, तो आपको डड्डू का मुझे डड्डू ही बोल नहीं बोलता कोई नहीं था मुझे अच्छा लगता है, कोई मसला नहीं है, डड्डू डड्डू हम लोग आए थे तकरीबन कुछ 4 से 4:30 के दरमियान, अब गर्मी ज्यादा सीधा पड़ रहा है यहाँ, मुझसे आप कह रहे हैं कि AC तो चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कहते लगा हुआ है चल नहीं रहा,
अभी तुम कह रहे हो एसी, मैंने कि मुझे तो दिख नहीं रहा। कहते हमजा भाई भी बैठे हुए, कहते हैं भाई लगा हुआ एसी आप देखे ढूंढे, मैं आगे पीछे देखूं, मैंने कहा यार अंदर देखा, मैंने कूलर पड़ा हुआ कुछ भी नहीं लगा हुआ था वहाँ पे, एक पेपर पे एसी लगा हुआ, कहते इसका आउटर भी है बाहर की आउटर लगा हुआ। शर्ट नहीं उतारनी, ब्लॉग की एंडिंग देनी है। कंप्यूटर आपका ठीक चल रहा है भाईजान? तमीज से बेहतरीन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस पे आज, बहुत दिनों बाद काम करके मजा ही आ गया है। तेरी व्हाट्सएप खुली हुई है पीछे, वो देखें, आज मैंने बिलाल भाई का थंबनेल बनाया है और बहुत फास्ट सिस्टम मुझे आज लगा है, आज काम करने में बहुत मजा आया है। लेकिन 8 GB में ज्यादा मुझे तेज लगा था, 16 GB में स्लो हो गया है थोड़ा सा। नुमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मेरा पीसी बनाया और बहुत अच्छी इसकी आपने रैम बढ़ाई है। थंबनेल में मुझे बनाने में मज़ा आया कि तेज़ तेज टाइप भी हो रहा था और जल्दी जल्दी विंडोज़ भी खुल रही थी, नेट भी बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, नेट का ताल्लुक नहीं है वैसे इसका, नेट की डोंगल तो हमारी चली, ये काट देना। थंबनेल में मुझे बनाने में मज़ा आया कि तेज़ तेज टाइप भी हो रहा था और जल्दी जल्दी विंडोज़ भी खुल रही थी। चलो ओके करते हैं, ये ट्रांजिशन ऐसे करके हाथ पे करते हैं ना, तेरे मुंह पे करते हैं।